वीडियो स्टार्ट होने से पहले थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर 100K सब्सक्राइबर्स एंड इसका श्रेय सिर्फ आप लोगों को जाते हैं, इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। गाइस हम लोग आ गए हैं चंद्रोदय मंदिर और गाड़ी पीछे पार्क कर दी है और मेरे सामने देखिए आप, बहुत खूबसूरत मंदिर है और पूरे वृंदावन में प्यारी जी की सबसे अच्छी मूर्त, सबसे अच्छी प्रतिमा मुझे यहीं की लगती है। और बाकी ये वही चंद्रोदय मंदिर है जो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टेंपल बनने वाला है, पूरे 70+ फ्लोर्स का। और अभी वो साइड भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के। ये गाइस एंट्रेंस है, वहाँ से हम लोग आते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री है और इधर से एग्जिट है। ऊपर मंदिर के दरबार में पहुंचे तो यहाँ पर पट बंद थे जो शाम को 4:30 बजे खुले थे, इसलिए हमें वहाँ हो रहे हरि के नाम का लाभ उठाने का मौका मिल गया और हमसे ज्यादा लाभ तो ये नन्ही गोपियाँ उठा रही थीं। और थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुलते ही यहाँ आरती चालू हो गई और हमें आरती में शामिल होने का अवसर मिला। पूरे वृंदावन में मुझे यही की बिहारी जी की प्रतिमा सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इससे पहले आप लोग भी आरती का लाभ उठाएं, मैं आपको बता दूं कि चंद्रोदय मंदिर भी इस्कॉन का ही एक हिस्सा है और इस्कॉन के जो फाउंडर थे वो थे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, यही वो इंसान थे जिन्होंने भगवद गीता को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। आरती के बाद हम लोगों ने चरणामृत लिया और हम लोग नीचे उतर गए। यह है चंद्रोदय मंदिर का मॉडल। चंद्रोदय मंदिर ना ही दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा कोई भी धार्मिक स्थल होगा और इसकी लाइव कंस्ट्रक्शन मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। इससे पहले हम बाहर आए और हमने प्रसाद ग्रहण करा। यहाँ प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिलती है जो आप सुबह से शाम किसी भी वक्त ले सकते हैं और खिचड़ी यहाँ की इतनी फेमस है कि इसको खिचड़ी वाला मंदिर भी कहा जाता है। और ये खिचड़ी बनाता है अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जिसकी किचन मैं आपको आगे दिखाऊंगा और दो चार चीज़ें ऐसे भी बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली नहीं पता होगी। ये भाई खिचड़ी का प्रसाद जो खाली चंद्रोदय मंदिर में मिलता है और ऐसे लोग ठूस ठूस के खाते हैं सब। अभी तो एक ही लिया है, अभी देखो रेस लगी हुई कौन कितना ज़्यादा लेगा। और सब लोग भाई गाड़ी में बैठ गए और पीछे सबको बिठा दिया है और मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अभी आपको दिखाने वो जो टॉलेस्ट टेम्पल मैं बता रहा हूँ आपको बनेगा पूरे वर्ल्ड का हाइट, उसकी साइट वो उधर सामने है तो मैं आपको दिखा दूँ। वो पहले 108 मंजिल बनने वाला था बट अब वो 72 समथिंग फ्लोर्स बनेगा। अब परमिशन वगैरह कुछ इशू है जो भी होगा पता नहीं, स्टिल वो टॉलेस्ट टेम्पल होगा पूरे वर्ल्ड का। वो चल रहा है उधर, उसका काम आप देख पा रहे होंगे। इधर है मेन जो मंदिर है अभी दर्शन करने के लिए और इधर है वो, और ये सारी ये भी सब चंद्रोदय मंदिर वालों ने ही सब अपार्टमेंट्स बनाए हैं। वाइड एंगल कर दिया मैंने, देखो आप अच्छे से देखना। इधर ये टेंपल हो गया और इधर ये सारा सारा ये सब चंद्रोदय मंदिर के अंडर में एरिया आता है। और जो मेरे पीछे आप फ्लैट देख रहे हो, अपार्टमेंट देख रहे हो, ये अपार्टमेंट भी अभी चंद्रोदय मंदिर के अंडर में ही है सारे, उन्होंने ही बनाए हैं। और यहीं पर अभी विलास भी बनेंगे और पूरा ये जो भी है सब इस्कॉन के उसमें ही है, ये आप देख सकते हो सारा। और उधर वो सामने वो बन रहा है टेम्पल। यह है गाइस किचन अक्षय पात्रा, जो एक एन जी ओ एक फाउंडेशन है जो बहुत सारे बच्चों को लाइक अलग अलग जगह है, चाहे वो ऑर्फनेजेज हों, अनाथ आश्रम, अनाथालय लाइक और वृद्धाश्रम कहीं भी हो, बहुत जगह है खाना पहुँचाता है अक्षय पात्रा। बहुत अच्छी एन जी ओ है। और ये देखिए मेरे पीछे पूरी बिल्डिंग अक्षय पात्रा की है और पूरी किचन है ये, और वो सब गाड़ियाँ हैं जिनसे सप्लाई होता है खाना। मंदिर के बनने की शुरुआत होती है कुछ साल पहले जब मधु पंडित दासा जी ने मीटिंग करी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के साथ और उनको ब्रीफ करा इस मंदिर को बनाने के आइडिया को लेकर। फिर मार्च 2014 में उस टाइम के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अखिलेश यादव जी ने इसके प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करा और 16 नवंबर 2014 को मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने इसकी नींव रखी। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर पूरी दुनिया का नहीं केवल सबसे ऊंचा मंदिर होगा बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल होगा जिसकी टोटल लागत आएगी $88 मिलियन यानी कि भारतीय 700 करोड़ रुपए। इसको बनाने का श्रेय जाता है इस्कॉन बैंगलोर को। इस मंदिर में 70 फ्लोर बनाए जाएंगे जिनकी टोटल हाइट होगी 700 फीट यानी कि 210 मीटर। और इस मंदिर का टोटल लैंड एरिया है 62 एकर्स, जिसमें से 12 एकर सिर्फ पार्किंग और हेलीपैड के लिए है। और इस मंदिर का बिल्टअप एरिया होगा 540,000 स्क्वायर फीट। इस मंदिर को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बनाया जाएगा और इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। ये यार जब पूरा बनके तैयार हो जाएगा ना अच्छा
लगेगा, मैं आपको भी बता नहीं सकता। ये आप लोग समझ जाओ, ये अभी कह रहा हूँ, अभी तो जस्ट काम चल रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा ना अलग एक बोलने वाली चीज़ दिखेगी। इधर जैसे आप देखो पीछे सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है अभी, बहुत कुछ अभी ये कम्प्लीट होते कुछ अलग ही नज़ारा दिखेगा। अभी हम यहाँ वॉक कर रहे हैं, ये देखो आप खुद ही सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा, ये देखो सारी ग्रीनरी और ये वॉक करने की जगह देखो कितनी अच्छी है, वो सामने टेंपल बन रहा है पूरा, ये अपार्टमेंट्स हो गए और वो सामने विलाज है, उधर पास जाके मैं आपको दिखाता हूँ अक्षय वाटी का, तो कितना अच्छा लग रहा है यार, ये कितने अच्छे अच्छे लाइक पौधे वगैरह अलग अलग। ये गाइस देखिए, अगर तो मेरे पीछे देख रहे हैं आप जो साइट है, जो मंदिर स्टार्ट हो चुका है बनना, ये देखिए ये वो साइट है, ये पूरा जाएगा 70+ फ्लोर्स, और वो उधर सामने वो सब विलाज हैं, वो भी सब ये चंद्रोदय मंदिर वालों के ही हैं, ये देखिए वो भी सब चंद्रोदय मंदिर वालों के ही हैं, और वो भी लाइक अब तो शायद सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, और ये इधर ये अपार्टमेंट है ये भी सब चंद्रोदय मंदिर वालों के ही हैं, और ये तो मंदिर बन ही रहा है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लाइक ये अलग अपनी एक दुनिया ही बन जाएगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैं डेफिनेटली तब आऊँगा आप सबको दिखाने, ब्लॉग लेके यहाँ तो आते रहते हैं हर दो एक महीने में, बट अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और पूरा वृंदावन का भी नक्शा पूरा चेंज हो रहा है, लाइक एंट्री कहीं और से होगी या एग्जिट किसी और से होगी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वृंदावन में, बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो चुका है। ये भी इधर कुछ लाइक बना रहे हैं देसी टाइप का, कुछ उस थीम में बना रहे हैं, जैसे कच्चे घर टाइप होते हैं ना उस तरह से कुछ बना रहे हैं। इतनी धूप में आप लोगों के लिए घूम रहा हूँ सब कुछ दिखाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छे लगे तो, और शेयर भी कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी चले जाना, इंस्टा पे जाके आप चेक कर लेना, विजिट कर लेना। छो भाई हम आ गए हैं, बोलो माँ के बिहारी लाल की बरसाने वाली की जय श्री राधे।